देखिए, वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में पांच की कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग। जब भी वो कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी वो किसी स्टॉक को पिक करते हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो अंडर वैल्यूड हो। अंडर वैल्यूड मतलब मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है मार्केट में, बट आपको वो कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालाइज करके लगता है कि यार इसकी स्टॉक प्राइस 100 नहीं होनी चाहिए, इसकी स्टॉक प्राइस कम से कम 150 होनी चाहिए। बाकी लोग जो उसको 100 पे वैल्यू कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक समझी नहीं है जो आप समझ चुके हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी और लोग इसकी एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज़ करेंगे, अल्टीमेटली ये स्टॉक 150 के आसपास आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, मार्केट में कम प्राइस पे मिल रहा है, उसकी एक्चुअल प्राइस जो होनी चाहिए और इवेंचुअली मार्केट उसकी एक्चुअल प्राइस रियलाइज़ कर जाएगा। तो आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करते हैं, इसे बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जिनका पोटेंशियल आगे ग्रो करने का, उसमें इन्वेस्ट करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वॉरेन बफे किसी भी कंपनी में देखते हैं, वो ये है कि कंपनी के ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। वॉरेन बफे ये नहीं चाहते कि कंपनी जो अपना पैसा कमा रही है उसमें से बहुत सारा पैसा लोन को सर्विस करने में खर्च कर दें। वो ये नहीं चाहते कि जो प्रॉफिट आया उससे लोन का इंटरेस्ट भरने में सारा प्रॉफिट निकल जाए। जितना कम लोन उतना बेटर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वॉरेन बफे किसी भी कंपनी में देखते हैं, वो ये है कि उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन हाई होने के साथ स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन हाई होने के साथ साथ ग्रो भी कर रहा होना चाहिए। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आप किसी भी बिजनेस से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वॉरेन बफे बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं किसी कंपनी के बारे में, वो ये होता है कि कंपनी का डिफरेंशिएटर क्या है, कंपनी की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या USP क्या है, एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स कंपनी कितनी बेटर है। जितनी वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेटर होगी उतना अच्छा है। और पांचवी चीज़ जो वॉरेन बफे किसी कंपनी में देखते हैं, वो ये है कि कंपनी इक्विटी कैपिटल पे कितना रिटर्न दे रही है। देखिए, कैपिटल दो फॉर्म्स में होता है कंपनी में, डेट में हो सकता है, लोन लेके भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और अपने शेयर होल्डर से भी पैसा लेके कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है। तो वॉरेन बफे पर्टिकुलरली ये देखते हैं कि अपने शेयर होल्डर से जो इक्विटी कैपिटल लिया हुआ है किसी कंपनी में, उस पर कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही है। सो पांच पॉइंट, फर्स्ट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, फाइंडिंग कंपनीज विच आर अंडरवैल्यूड करंटली। सेकेंड इज लेस डेट, कंपनी के ऊपर कम से कम लोन होना चाहिए। थर्ड इज हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए और साथ ही साथ वो ग्रो कर रहा होना चाहिए। फोर्थ इज कंपनी के पास अच्छा USP होना चाहिए, कंपनी का डिफरेंशिएटर अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हाई होना चाहिए। एंड फिफ्थ थिंग, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन जो इक्विटी कैपिटल होता है वो ज़्यादा होना चाहिए।